हाँ जी भैया, कैसे सारे? बढ़िया। सबसे पहले वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार, टाइटल तो आपने पढ़ लिया होगा। तो हाँ, मैं हूँ मतलब दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी बुडापेस्ट में, हंगरी की कैपिटल है। और इस बार का ट्रिप जो है वो मैंने अकेले नहीं किया है, तो मेरे साथ साहब भाई भी हैं और एक हमारे और दोस्त हैं आशुतोष भाई, उनके साथ आया हूँ मैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने अपार्टमेंट सा लिया है, ये होटल है वैसे तो सर्विसेज पूरी होटल वाली है, बट फील अपार्टमेंट वाली है क्योंकि किचन वगैरह आप देख सकते हो पीछे है। 12 बजे लैंड किए थे, डायरेक्ट होटल आए फ्रेश होके। अब जा रहे हैं हम, पहले कहाँ जा रहे हैं? हाँ, पार्लियामेंट्री बिल्डिंग देखने हैं। ठीक है, तो जल्दी से निकलते हैं और बाहर ना बहुत सुंदर मार्केट भी लगी है, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो जल्दी जल्दी निकलते हैं और आपको भी दिखाते हैं और खुद भी घूमते हैं। चलो भाई, एम्स्टरडम के मुकाबले में यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ हाईनेक पहन के घूम रहा, पता नहीं क्या मेरी मत मारी है। मेरे पास कपड़े जो है वो मैंने, मतलब वो अलग स्टोरी है, बट यहाँ गर्मी है। तो अभी आपको वो मार्केट दिखाता हूँ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो अभी वहाँ निकलता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। चलो ना, बड़ी सुंदर सी मार्केट। तो यार, अब मैं निकलता हूँ क्योंकि भाई लोग कर रहे होंगे वेट मेरा। तो हमने अभी खाना खाया और हंगरी बहुत ज़्यादा चीप है भाई, मतलब इतना सस्ता है कि मतलब एम्स्टरडम के मुकाबले में तो हद हद चीप है। अब मैं जल्दी जल्दी चलता हूँ, वहाँ से हम यहाँ से पकड़ेंगे मेट्रो और मेट्रो से निकल जाएंगे सीधा पार्लियामेंट्री बिल्डिंग। और यहाँ की जो मेट्रो, उसकी खास बात यह है कि वर्ल्ड की ओल्डेस्ट मेट्रो है, तो वो भी देखने हैं और शायद डीपेस्ट भी। हेलो हेलो मिल गई मेट्रो, वही खुश रहो। सूरज उस साइड से आ रहा है ना, तो ढंग से दिख नहीं पा रही है, नहीं तो ये बिल्डिंग देखने में बड़ी सुंदर लग रही है। अरे साला, पेड़ भी पूरा आधा ज़्यादा। तो भाई साहब, ये जो बिल्डिंग है ना, यहाँ से इतनी कमाल नहीं लग रही जितनी उस साइड से लगती है। और ये बहुत बड़ी है और जो इसके ऊपर सारा आर्किटेक्चर है, मतलब तो जो भी स्पेशल पीकार हिंदी में बोलते हैं, वो बहुत अमेजिंग है। यहाँ से इतना अच्छा नहीं व्यू आएगा जितना उस साइड से आएगा। इसके अलावा जिसने ये बनाई थी वो बंदा इसको देख ही नहीं पाया था, क्योंकि जिस ईयर में ये बनी वो उसी ईयर में अंधा हो गया इसका आर्किटेक्ट, और उसी ईयर में मर भी गया जब ये खुली, तो वो उसको कभी देख ही नहीं पाया। बट एक बार देखो यार इस बिल्डिंग को, लाइक वाओ, देखो। मतलब जब मैं उधर जाऊंगा सामने, तो मैं इसको पूरा व्यू दिखाऊंगा, बट अभी इसको बस ऐसे देखो। उधर आशुतोष भाई और साहब भाई लगे हैं फ़ोटोज़ खींचने और हम लगे हैं अपने काम में, आपको भी बुडापेस्ट घुमाने। भाई, इसको देख के हॉगवर्ड्स वाली फील नहीं आ रही? हैरी पॉटर अभी निकलेगा यहाँ से। और एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि अभी जिसमें एरिया में हूँ उसका नाम है पेस्ट। तो ये जो बुडापेस्ट है, ये दो सिटीज़ को मिला के बनता है, मतलब एशियन दो सिटीज़ थी, अब तो एक ही है। तो बुडा जो सामने आपको दिख रहा है, जो थोड़ा हिली है, जहाँ पे वहाँ कैसल भी है सारा, और अभी जिस एरिया में हम है वो है पेस्ट, तो बनता है बुडापेस्ट। और इसके बीच में एक ही ब्रिज था वैसे तो, चेन ब्रिज, जो आपने शायद अगर देखा हो तो फैन में, और शाहरुख खान की फैन मूवी थी उसमें भी था, और हैरी मेट सिजल में भी। तो वो एक चेन ब्रिज है जो आजकल बंद चल रहा है वैसे तो, उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है,
बट वो इन दोनों सिटीज़ को जोड़ता है बेसिकली। और वो एरिया जो है जो थोड़ा हिली है वो उसका नाम बुडा है, और ये एरिया जहाँ पे मैं हूँ अभी या जहाँ मैंने स्टे भी किया है वो बेस्ट है भाई। हम घूमने आए हैं और बारिश ना पड़े ऐसा भी कब हुआ है? भागो, बहुत ज़्यादा बारिश पड़ गई यार, मतलब अच्छी खासी। उधर भाग रहे बंदे कहीं छत ढूंढते हुए। ठीक बारिश पड़ गई यार, अच्छे खासा मौसम था। अभी 5-10 मिनट पहले धूप निकली हुई थी और अब बारिश हो गई। किस्मत ही अपनी ऐसी है, हर ट्रिप में कहीं भी गए हों बारिश तो होनी है भाई। ये गलियाँ ही बड़ी शानदार हैं। यहाँ भी एक इंडियन रेस्टोरेंट अपने को मिल गया, सलाम बॉम्बे, बट यहाँ नहीं खाना है क्योंकि अब यहाँ हंगरी में आए हैं तो एक का दिन तो बनता ही है ना कि सिर्फ हंगेरियन फूड खाया जाए। इसको बाद में देखेंगे, कभी और भी मिल जाएंगे हमें। भाई सीरियसली, यहाँ की वीडियोज़ या फ़ोटोज़ कभी भी इस खूबसूरती को जस्टिफाई नहीं करेंगी जो आंखों से दिख रही है। बहुत अमेजिंग भाई। तो भाई अभी जहाँ पे हम जा रहे हैं वो उसको बोलते हैं शूज़ ऑन द बैंक ऑफ टेम्बेरी। वो तो होता क्या था कि यार पुराने टाइम में लोगों को जब जिनको मारना होता था कहीं से उठा के पानी में फेंक दिया जाता था, उनका शूज़ रख लिए जाते थे क्योंकि लेदर बहुत कॉस्टली होता था उस टाइम पर। तो वो मॉन्यूमेंट बनाया गया एक, तो वहाँ शूज़ जो हैं प्रिजर्व करके रखें और फिक्स कर दिए, तो वो अब हम देखेंगे भाई। अभी बारिश हो रही थी, अब इतनी धूप हो गई कि गर्मी लग रही है, हवा इतनी तेज़ है, बाल ऐसे बिखर बिखर के जा रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते, क्या करोगे। बट यही है, मैं तो यही हमेशा बोलता हूँ कि यूरोप घूमना है तो बिना जैकेट के और बिना स्वेटर के तो मत आओ। ये है भाई वो शूज़। चलो लाला जी, फेरिस व्हील। अब किसी का तो नाम सही लिख दो, दिखाओ। ASIU सैब भाई, आपका क्या नाम लिखा है? SCIU। इन लोगों को ए और ई में थोड़ा कंफ्यूजन है। मेरा तो कहीं नज़दीक भी नहीं लिखा है ना। इतना सुंदर शॉपिंग सेंटर हो तो वैसे मन कर जाए कुछ भी लेने का है ना, है ना, बहुत ज़्यादा सुंदर है भाई। पर वही बात है कि एम्स्टरडैम में साहब भाई अब जिंदगी कट गई एक तरह से, एम्स्टरडैम गांव बन गया हमारे यार। अब यही हमारे को अच्छे लग रहे हैं क्योंकि अलग है। अच्छा गेस करो इसका कितना प्राइस होगा? 8 यूरो। नहीं मतलब यूरो में नहीं, ऐसे उस पर गेस करो। 10,000 ही होगा मेरे ख्याल से। 10,000? 10,000 साहब भाई, आप कितना बोलते हो? कितना? 6-7। मैं बोलता हूँ 20 होगा। पढ़ लिया क्या? नहीं। सुनो, मेरा स्टूडेंट है।
स्टूडेंट है। बस अगर इसने एक ही राउंड मरवाया ना तो होगी बारी खत्म। कैसा लगा साहब लाला? मस्त, सेक्सी। कैसा लगा? आउट ऑफ द वर्ल्ड। गुड बाय। बाय। दिस वे? दैट्स इट। थैंक यू। भाई ये तो करो आके यहाँ पे, ये बढ़िया चीज है। भाई ये तो फुल पैसा वसूल, 5 राउंड बढ़िया। आज दिन की लास्ट एक्टिविटी ये वाली 1 पेपरिका खाने जा। मैं व्लॉग बना रहा हूँ यार। हाँ वहाँ से लग जाएगा ना पता, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि आज दिन की लास्ट एक्टिविटी यहाँ की लोकल डिश पेपरिका खाने चल पड़ी जनता। खाना खाने आए और नई लोकेशन मिल गई। हाँ जी भैया, तो सीन ऐसा है कि यार पहले मैंने सोचा था कि पूरे बुडापेस्ट का एक व्लॉग बनाऊंगा, पर अब मैं सोच रहा हूँ कि 3 दिन थे, 3 अलग अलग बहुत ज़्यादा कंटेंट हो गया, तो 3 अलग अलग व्लॉग ही बनाते हैं, तो मैंने इस वीडियो का एंड ही नहीं किया था। ठीक है, तो यार अगला व्लॉग देखो आ रहा है, अगला 2-3 दिन में मैं डाल दूंगा। तो ये डे 1 था, अब डे 2 देखो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, सारे सेफ रहो और मिलते हैं अगली वीडियो में।